हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय शो कार पेडियम राइडर। मैं हूं जावेद अख्तर। तो 1970 से लेकर 1990 तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली मोटरसाइकिल जो कि है यसडी, इंडिया में दोबारा लॉन्च हो गई है। और दोबारा ये लॉन्च हुई, इसने तीन सेगमेंट में अपने तीन मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी है। पहले सेगमेंट है एडवेंचर, सेकेंड वन इज स्क्रैम्बलर और थर्ड वन इज क्रूज बाइक के सेगमेंट में इन्होंने अपना जो नया मॉडल लॉन्च किया है वो है रोडस्टर। तो आज हम रोडस्टर बाइक का करने वाले हैं वॉक अराउंड और इसके बारे में जानेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। यसडी की रोडस्टर बाइक जो यसडी ने लॉन्च करी है। अभी फिलहाल इस शोरूम में यसडी की रोडस्टर बाइक है, तो हम इसका कर रहे हैं एक वॉक अराउंड और रिव्यू। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लें, तो सामने आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीन मिल जाता है, उसके नीचे दिया गया है हेडलैम्प। हेडलैम्प के साइड में आपको एक क्रोम का बेजल मिल जाता है और इसके पीछे का ये जो पोर्शन है इसको प्लास्टिक से कवर कर रखा गया है। इसके हेडलैम्प की बात करें तो LED हेडलैम्प मिल जाते हैं। ये स्प्लिट हेडलैम्प है, नीचे ये है आपको लोअर बीम के लिए है और ये अपर बीम के लिए है। अगर हम इसके इंडिकेटर की बात करें तो इसके इंडिकेटर हैलोजन दिए गए हैं, छोटे इंडिकेटर साइज़ में छोटे हैं और हैलोजन है। अगर ये LED होते तो ज़्यादा और बेटर ऑप्शन होता। तो अब हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो नॉर्मल आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, अगर ये UST फॉक सस्पेंशन होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 100x90 के 18 इंच के टायर दिए गए हैं और रियर में 130x60 के 17 इंच के टायर दिए गए हैं। फ्रंट में 320mm का डिस्क मिल जाता है और यहाँ पर बाइबर का कैलिपर्स दिया गया है। और अगर रियर डिस्क की बात करें तो 240mm का रियर में आपको डिस्क मिल जाता है। यह बाइक डुअल चैनल ABS है, जिसमें आप ABS को ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर हम इस बाइक के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका फ्यूल टैंक 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। यहाँ पर यसडी की ब्रांडिंग दी गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यसडी मोटरसाइकिल ट्राइब का ये लोगो मिल जाएगा और यहाँ पर यसडी का लोगो है। अगर इसके सीट हाइट की बात करें तो 795mm की सीट हाइट दी गई है, जो कि एक एवरेज हाइट के पर्सन के लिए भी काफ़ी अच्छी है। और सीट की अगर बात करें तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। जावा 42 या जावा स्टैंडर्ड में जो कमियां रह गई थी, यसडी ने उस चीज़ को इम्प्रूव किया है। और ये सीट स्प्लिट सीट है, प्लेन का अलग है और राइडर का अलग है। प्लेन को थोड़ा सा हो सकता है कि बैठने में दिक्कत हो, क्योंकि ये जो सीट है थोड़ी सी पतली है, लेकिन कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। और पीछे है ये बैक रेस्ट, जो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रोडस्टर का पैनल दिया गया है, बैकग्राउंड में यसडी का लोगो लगा हुआ है। और इसके जो सस्पेंशन है, इसके बैक सस्पेंशन है, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन दिए गए हैं इसमें, 5-स्टेप एडजस्टेबल है। तो गाइस, अगर बात करें इस बाइक के इंजन की, तो इसमें 334cc का लिक्विड कूल इंजन दिया गया है, जो कि 29.7 BHP का पावर और 29 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सामने यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर रेडिएटर मिल जाता है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये देखी गई कि रेडिएटर के ऊपर पहले से ही आपको ग्रिल लगाया गया है। जैसा कि अगर आपकी जावा की बाइक में देखेंगे तो आपको अलग से ये रेडिएटर ग्रिल लगवाना पड़ता है, लेकिन आपको इसमें पहले से ही लगा हुआ मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। टेल लैंप की बात करें तो टेल में आपको LED का बल्ब मिल जाता है, लेकिन इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये हैलोजन ही रखे गए हैं। यहाँ पर इसमें गुंजाइश थी, अगर ये भी LED के होते तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता। अगर इसके हैंडल बार की बात करें तो आपको वाइड हैंडल बार मिल जाता है, जिससे कि आपको एक अपराइट पोजीशन मिलता है और क्रूज़ करने में काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ पर आपको इंजन किल का स्विच मिल जाता है, इसके नीचे हज़ार लैंप का स्विच है और इसके जस्ट नीचे इग्निशन स्टार्ट का स्विच दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ स्विच मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पर हॉर्न का स्विच दिया गया है। और सामने आपको यहाँ पर पास स्विच
मिल जाता है। जावा ने जो गलती करी थी कि 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस था, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम होती थी, तो वो चीज़ यजदी ने उसको इम्प्रूव किया है। और इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जिससे कि आपको जो ऑफ रोडिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती थी तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। इस बाइक में ओपन चेन दिया गया है, जो कि आपको हर 400-500 किलोमीटर पर आपको इसकी सफाई करनी पड़ेगी, जैसा कि ओपन चेन सिस्टम में ये चीज़ होती है। अगर इसके साउंड की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको साउंड मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह। वेल गाइस, तो इस बाइक को लेकर के हम आ गए हैं बाहर। तो अगर हम सीटिंग पोजीशन की बात करें तो अपराइट पोजीशन, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, अगर आपको 200-300-400 किलोमीटर करना है तो आपको बहुत ही इजीली आप इसको मैनूवर कर ले जाएंगे, क्योंकि मेरी बॉडी पूरी स्ट्रेट है और मुझे ज़रा सा भी आगे बैंड नहीं करना पड़ रहा है। और मेरे जो पैर है ये प्रॉपरली ग्रिप है, इसका फ्यूल टैंक का जो फ्यूल पैड है ये प्रॉपरली इसमें हमारा सेट हो जा रहा है। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसकी 12.5 लीटर है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इस बाइक को जो है बाहर बहुत ज़्यादा तो नहीं इसको थ्रॉटल ओपन कर पाएंगे, लेकिन जो कम्फर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल ये बाइक है चलने में। मेरी हाइट 5'7" है, तो मेरा पैर जो है ज़मीन पर पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसकी सीट हाइट जो है 795 mm की है, जो कि जाओ 42 से करीब 30 mm ज़्यादा है। तो इसके अगर हम पावर की बात करें तो पावर डिलीवरी तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार, और इसकी सीट और इसकी सीट की कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट मिल रहा है मुझे बैठने में। और इसका हैंडलिंग बहुत ही डिम्बल है, जो बाइक को मैनूवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि 184 kg की मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। एक्चुअली रश तो कुछ ज़्यादा ही है इसलिए थ्रॉटल ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलने में तो गाड़ी भाई एक नंबर है, एक नंबर गाड़ी है। गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा है, पावर डिलीवरी काफ़ी स्मूथ है, और जो टर्निंग रेडियस है, टर्निंग रेडियस भी मैंने अभी चेक किया था, तो टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं कि मेरा हैंडल जो है कहीं स्टक हो रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो राइडिंग इंप्रेशन है काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इस बाइक को राइड करते हुए। और इसके अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट का तो हमें सस्पेंशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो बैक का सस्पेंशन है, जो रियर सस्पेंशन है, ये थोड़ा सा स्टिफर साइड पर है, थोड़ा सा हार्ड है। हो सकता है आप इसकी सेटिंग करा के आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये बात कर लेते हैं इसके टर्निंग रेडियस को एक बार देख लेते हैं। टर्निंग रेडियस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही स्मूथली हमारी बाइक जो है प्रॉपरली टर्न हो जाए, बहुत ही अच्छा टर्निंग रेडियस है इस बाइक का। तो फर्स्ट इम्प्रेशन भाई एक नंबर है इस बाइक का। बस हमें इसमें थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई, हमारा जो पैर हमारा थोड़ा शॉर्ट वैसे भी है, तो ज़मीन पर पहुँचने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है, बाकी तो बाइक भाई एक नंबर है। अगर बाइक की बात करें, बाइक चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी अच्छी है, इसकी जो पावर डिलीवरी हमें काफ़ी अच्छी लगी। बस हमें इसमें जो चीज़ अच्छी नहीं, इसमें थोड़ा सा इसका बैक सस्पेंशन है थोड़ा सा हार्ड साइड पर है, कि जब हम ब्रेकर से गुजरते हैं तो वहाँ हमें इतना प्रॉपर जो है सस्पेंशन नहीं फील होता, लेकिन फ्रंट का सस्पेंशन ठीक है। और इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर एवरेज हाइट के आप हैं 5'6" से कम है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। बाकी ये हमारा फर्स्ट राइडिंग इंप्रेशन था, अभी हमें बाहर जाने का मौका नहीं हुआ। जैसे हाईवेज पर अगर मैं राइड करता तो इसका थ्रॉटल ओपन करता तो वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बता, लो एंड, मिडिल एंड और हाई एंड का जो टॉर्क है, पावर है, वो किस तरीके से डिलीवरी हो रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगा। वेल फ्रेंड्स, तो ये हमारे राघवेंद्र भैया हैं, इस जावा शोरूम के जनरल मैनेजर हैं। तो हम इनसे इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। भैया क्या प्राइस रहेगी इस बाइक की? इसका जो स्टार्टिंग प्राइस आएगा 2,01,142 समथिंग, इसका बेसिक जो प्राइस है स्टार्टिंग प्राइस वो रहेगा।
तो इसका जो प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस ये है 2,01,142। और इसके डिलीवरी वगैरह कैसे? डिलीवरी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, इसके लिए आपको अगर चाहे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं शोरूम पे आके। आप हमारा हरदोई रोड पे ठाकुरगंज में शोरूम है क्रेसेंडो जावा के नाम से, आप यहाँ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग ओपन है। 5,000 से इसका बुकिंग होता है। जो हमारा डिलीवरी है वो मतलब जिसको हम प्रायोरिटी देंगे वो बुकिंग को देंगे। ठीक, जो फर्स्ट बुकिंग होगा वही है, उसी हिसाब से डिलीवरी होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके बताइए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो वेल गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।